देखिए, सरकार शासन के निर्देशानुसार, पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार लगातार जो गैंगस्टर हैं और माफिया हैं इन पे सतत जो कार्रवाई चल रही है उसी के तहत धारा 14 एक गैंगस्टर एक्ट के तहत कई कार्रवाइयाँ विगत दिनों में जनपद में हुई हैं। पिछले 4 महीनों में लगभग 200 करोड़ से ऊपर की संपत्ति जनपद प्रयागराज और बाहर जो इन अपराधियों ने बना रखी थी उसको कुर्क किया गया है। इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए अभी कई गैंगस्टर्स की संपत्तियां और चिन्हित की गई हैं। निकट भविष्य में उनके भी कुर्कीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी और साथ ही साथ जो भी इस तरह के अपराध में सम्मिलित अपराधी हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकरण, उनकी गिरफ्तारी तथा उनके द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति को हम लोग लगातार कुर्क करते रहेंगे।